रिलायंस जियो के 3 साल कंप्लीट होने के बाद लगभग 34 करोड़ लोगों ने जियो का लाभ उठाया है। उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जियो फाइबर जब रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा तो उसके ऊपर बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे मार्केट के अंदर कि जियो जो है काफी सस्ते प्लान लेके आएगा और बहुत सारी सुविधाएं लोगों तक तो पहुंचाएगा जिसके बारे में पहले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उससे पहले एयरटेल ने अपने कुछ प्लान्स लॉन्च कर दिए, कुछ बॉक्सेस लॉन्च किए जो कि लगभग टक्कर दे रहे हैं जियो फाइबर को। तो क्या है वो प्लान और क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में मैं मेनली बताने के लिए आपको यहाँ लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एयरटेल के द्वारा जियो से कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया, तो इसके अंदर एक ऐसी खूबी है जो कि जियो फाइबर के सेटअप बॉक्स के अंदर नहीं है। वो ये है कि ये जो बॉक्स है आपका वो आपको एंड्रॉयड टीवी को सपोर्ट करता है जिसके अंदर आपको 2 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाता है जिसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो अपने टीवी पे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका टीवी सिंपल टीवी है तो उसको आप एंड्रॉयड टीवी बना सकते हो। वहीं पे बात करते हैं जियो फाइबर के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको बॉक्स मिल रहा है उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप इस बॉक्स का इस्तेमाल करके ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं जो कि जियो पहले से अपने में इंस्टॉल करके दे रहा है उसका लाभ आप जरूर उठा सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ और एप्लीकेशंस दिए जा रहे हैं जियो के थ्रू उसके ऊपर अपने बॉक्स के ऊपर, वहां पे भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स की, तो इसके अंदर आपको मिल रहा है एंड्रॉइड 9.0 का सपोर्ट जिसके साथ आप काम करते हुए गूगल प्ले स्टोर का लाभ उठा सकते हो और एप्लीकेशन का जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो, जो कि मिसिंग है जियो फाइबर के D2H बॉक्स के अंदर। इसके बाद बात करते हैं जियो फाइबर के बारे में जिसके अंदर आपको जियो टीवी एप्लीकेशन के साथ साथ जियो सावन, जियो म्यूजिक और भी बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे जो कि जियो की तरफ से आते हैं। जियो टीवी का लाभ उठाते हुए आप सारे के सारे टीवी के चैनल जो अभी जियो टीवी पे अवेलेबल है सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके अंदर आपको ज्यादा डेटा मिले, मतलब कि 100 GB वाले प्लान के अंदर आपको मुश्किल होगा जियो टीवी के सारे चैनल देखना। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1 घंटे का आप HD क्वालिटी में वीडियो देखते हो तो लगभग 1 GB इंटरनेट डेटा आपको देना पड़ेगा, मतलब कि अगर आप 5 घंटे डेली टीवी देखते हो तो 1 महीने के अंदर आपको 150 GB डेटा आपको सिर्फ टीवी के लिए चाहिए, साथ साथ सर्फिंग और बाकी चीजों के लिए आपको अलग से डेटा चाहिए, तो मिनिमम आपको 300 GB डेटा की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप जियो टीवी के थ्रू अपने सारे चैनल देखते हो, केबल का कनेक्शन नहीं लेते हो। तो दोस्तों जियो के द्वारा जो जियो D2H बॉक्स दिया जा रहा है इसके अंदर आप केबल कनेक्शन लेके जो कि इनके द्वारा 3 कंपनियों को हायर किया गया है GTPL, हैथवे और डेन, उनके लोकल केबल ऑपरेटर के थ्रू आप कनेक्शन लेके देख सकते हो। साथ ही साथ एयरटेल के बारे में अगर बात करते हैं तो एयरटेल के जो D2H कनेक्शंस हैं वो सिर्फ उन्हीं के थ्रू चलेंगे एयरटेल के एक्सट्रीम बॉक्स। इसके अलावा आप किसी भी लोकल केबल ऑपरेटर का जो D2H बॉक्स है वो इसके अंदर नहीं लगा सकते। साथ ही साथ आपको ₹153 का मंथली मिनिमम पैक आपको लेना ही लेना पड़ेगा अगर आप एक्सट्रीम बॉक्स लेते हो तो। लेकिन जियो के साथ ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपको जियो फाइबर के लिए पे करना पड़ेगा, एक्सट्रीम बॉक्स में ये केस अलग है। अब दोनों के बारे में जो एंड्रॉयड टीवी वाला डिफरेंस बताया उसके साथ साथ ये डिफरेंस भी बहुत मायने करता है कि आपको जियो के अंदर जियो फाइबर इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है लेकिन एंड्रॉयड टीवी जो कि एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स के साथ आ रहा है उसके अंदर आपको एयरटेल का अलग से फाइबर लेना पड़ेगा जिसके लिए आपको अलग से प्राइस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, साथ ही साथ G5, ऑल्ट बालाजी, उसके सारे लाभ आप उठा सकते हो एयरटेल वाले एक्सट्रीम बॉक्स के ऊपर। साथ ही साथ ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आपको जियो फाइबर के सेटअप बॉक्स के ऊपर भी। तो ये चीजें आपको दोनों में मिलने वाली हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जियो फाइबर में अगर आपका प्लान 1299 से ज्यादा का होता है तो यहाँ पे आपको 1 साल के लिए फैसिलिटी बिल्कुल फ्री दी जाती है, उसके बाद भी हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो फ्री रहे आपको। लेकिन एयरटेल के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑटो रिन्यू ये होगा और एक्सट्रीम बॉक्स में जो अपने एप्लीकेशन ओटीटी वाले हैं वो तो आपको फ्री में मिलेंगे 1 साल तक, लेकिन 1 साल के बाद आपको पे करना पड़ेगा जैसा कि नेटफ्लिक्स के अंदर 1 महीने के बाद ही आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको ओटीटी में मिल रहा है। साथ ही साथ बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जो कि जियो फाइबर के अंदर बताया गया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको अलग से एक डिवाइस लेना पड़ेगा जो कि सपोर्ट करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जियो फाइबर के थ्रू। उसके लिए आपको अलग से अमाउंट पे करना पड़ेगा जिसको जियो फाइबर ने पहले अपने जो भी साइट है वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही साथ ये जो फैसिलिटी है ये मिसिंग है एयरटेल बॉक्स के अंदर। इसके साथ
आपको वीआर और एमआर की फैसिलिटी दी जाती है जियो फाइबर के अंदर, जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो स्मार्टली, लेकिन आपको एयरटेल के अंदर ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। दोस्तों मैं बात करता हूं इस बॉक्स के बारे में, क्योंकि ये जो बॉक्स है इससे आप शॉपिंग कर सकते हो या फिर बहुत सारी चीजें देख सकते हो वर्चुअल रियलिटी में। तो इसका मैं सोच सकता हूं कि ये जो है काफी महंगे प्लान के साथ आता है और इसका प्राइस जो होगा वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कहां कहां अवेलेबल है। तो दोस्तों 1600 शहरों के अंदर जियो फाइबर अवेलेबल है। आपको यह भी बता दूं कि जियो फाइबर अवेलेबिलिटी के लिए आपको सिटीज जानना हो तो आप वहां पे जाके jiofiber.com के ऊपर अपना लॉगिन करके डिटेल डाल सकते हो, जैसे ही आपके एरिया में अवेलेबल होगा वो आप तक कॉल आएगा। लेकिन 1600 शहरों के एग्जैक्ट डिटेल के बारे में आपको कस्टमर केयर से मालूम चलेगा, जो कि अभी पूरे तरीके से वर्किंग नहीं है, कुछ टाइम में वर्किंग हो जाएगा तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा वहां से कि कहां कहां ये मिल रहा है। बात करते हैं एयरटेल के एक्सट्रीम बॉक्स के बारे में, तो ये कुछ बड़े शहरों में अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, नोएडा, पुणे, अहमदाबाद, ऐसे शहरों में 15-20 शहरों में ही अवेलेबल है। लेकिन इन शहरों में भी अभी आराम से नहीं मिल रहा है, कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं उन शहरों में जहां पे आपको ये अवेलेबल है। दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स अगर आप बिल्कुल नए कस्टमर हैं, आपके पास पहले से एयरटेल नहीं है, तो आपको लगभग 4000 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको एक महीने का एचडी पैक सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको 153 का मंथली रेंटल देना पड़ेगा इस बॉक्स के लिए। लेकिन इसके अंदर आप इंटरनेट अगर आपके घर में पहले से किसी और भी कंपनी का है तो उसके थ्रू आप इसका लाभ उठा सकते हो, लेकिन एयरटेल टीवी आपका नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एयरटेल बॉक्स ले रहे हैं तो आपको एयरटेल का कनेक्शन लेना पड़ेगा इंटरनेट का भी, अगर सारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हो। तो जियो फाइबर के बारे में बात करें तो जियो फाइबर जो है आपको 2500 के वन टाइम पेमेंट के साथ मिलेगा, जिसके अंदर 1500 रुपए जो है आपका रिफंडेबल होगा, 1000 रुपए आपका इंस्टॉलेशन फी होगा, और उसके अंदर भी आपको जो प्लान्स है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, बाकी आपको डीटीएच कनेक्शंस के लिए अलग से पे करना पड़ेगा अगर आप लोकल केबल ऑपरेटर का लेते हो। तो साथ ही साथ जियो टीवी के थ्रू आप अगर प्रोग्राम्स देखना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लान ये होगा 1299 वाला। दोस्तों प्लान के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं कि कौन सा प्लान आपको लेना उचित रहेगा, और भी बहुत सारी वीडियो इंटरनेट के ऊपर मेरी आने वाली है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, और मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपका बजट कितना है अगर आप डीटीएच कनेक्शन और साथ में इंटरनेट लेना चाहते हो। तो अगर आप गाँव के एरिया में रहते हो तो ये भी बताइए क्या आपको अच्छा लग रहा है जियो फाइबर, क्या आप चाहते हैं कि जियो फाइबर आप तक आए। दोनों चीजें आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, और कोशिश कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और लोग समझें कि जियो फाइबर एयरटेल बॉक्स में डिफरेंस क्या है, कि एंड्रॉयड टीवी कैसे डिफरेंस कर देता है दोनों के अंदर, और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है जो कि बहुत अलग कर रहा है सिस्टम को। दोस्तों मैं आप तक अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ऐसे लेके आता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोशिश कीजिए कि जैसे नोटिफिकेशन आपके पास आता है तो वीडियो को देख सके। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।